इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? आप? मैं ठीक हूँ। आप एक जगह बैठ जाओ, आपका इंटरनेट ना इन एंड आउट हो रहा है। ओके मैम, एक मिनट है, वो नीचे आ गया था मुझे। अच्छा, पीछे शांति देख सकते हैं क्या कर रहा है ये बंदा। मैंने मोटर बंद कर दिया, दो मिनट मोटर बंद कर दी। अरे कोई नहीं है, मोटर बंद कर दे। एक्चुअली कजन थी ना, उसने मोटर बंद कर। मम्मी है? नहीं, कजन थी, कजन मेरी। अच्छा, कजन थी। कजन कह रही होगी किस लड़की से बातें कर रहा है, मैं जानू होगी एकदम से। वो यूं हो गई थी, थोड़ा सा मैंने देखा उनको। वो कजन कर रही, वो एक्चुअली किससे बात कर रहा है? मुझे लगता है आपको पिंक कलर बहुत पसंद है, आपके कपड़े भी पिंक हैं, आपका कमरा भी पिंक है। कमरा भी पिंक है ना, कमरे में भी पिंक कलर। आई लाइक पिंक। हाउस है, मेरे कजन का कमरा, घर है, मैं उसके घर पे आऊंगा जरा। अच्छा, मैं बात नहीं, आई डोंट जज, कोई बात नहीं। कमरा होना चाहिए जो भी कलर आपको पसंद हो। कहाँ से हैं आप? इंडिया से? मम्मी आसमान, आई एम फ्रॉम अमृतसर बट आई लिव इन दिल्ली। अच्छा, वहाँ पे क्या वेदर चल रहा है? गर्मी हो रही है सही की कि नहीं? मैम एक्चुअली बहुत बुरा हाल है। आई नो, गर्मी काफी हो रही है यहाँ भी। आज गर्मी है मगर हम लोग जाएंगे जरा बीच पे जाएंगे ताकि हम आराम से बैठे। आपके घर पे एसी लगा हुआ है? मगर घर में मेरा एक्चुअली छत का कमरा है तो उस पे तो पैदल नान लगा सकते हैं, इतना गर्म होता है। आई एम प्रीटी श्योर, हाँ, जो ऊपर का कमरा होता है। हाँ नहीं, यहाँ पर बेसमेंट होते हैं ना, बेसमेंट सबसे ठंडा होता है गर्मियों में। वाओ, क्योंकि इवन सर्दियों में। मेरे कमरे के ऊपर छत के ऊपर कुछ भी नहीं है तो कई बार रात बन लेके अभी यूं भी हाथ करता हूँ तो पसीने आ जाते हैं। ओ माय गॉड, नहीं, छत वाला कमरा तो बहुत ही है, ठंड में ठीक है मगर गर्मियों में तो ओ माय गॉड, इट्स नॉट गुड। हो सकता है यहाँ पे तो ठंड में बहुत बुरा हाल हो जाता है, ठंडे में बहुत ठंड है, गर्म में बहुत गर्म है। हाँ, मगर आप लोगों के घर में वो नहीं है ना, सेंट्रल हीटिंग, सेंट्रल एयर, मेरे ख्याल से घर ही अपना नहीं है, घर ही रेंटेड है तो क्या होगा। नहीं, मगर वो सिस्टम नहीं है ना घरों में। यहाँ पर ज्यादातर घरों में सेंट्रल एसी लगे हुए या हीटिंग लगी हुई है तो अंबानी इसमें अडानी क्या। कोई अंबानी अंबूनी हो तो घर में हो तो बात अलग है, कि मैंने किसी घर में नहीं देखा। मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े लोग हैं ना उन्होंने अपने घरों में लगाया है। मगर आई एम सो सरप्राइज कि ये कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं है। इंडिया में तो अब तक आ जानी चाहिए थी, यानी आम हो जानी चाहिए इससे। जैसे आपका अमेरिका में दिल्ली का मकान है, इंडिया में नहीं हो सकते, तो दिमाग लग जाती है, हर चौथे दिन बाद अलमारियां तोड़वानी पड़ जाती है लोगों को यहाँ पे। हाँ, आप लोगों के यहाँ वहां पे पर वो उसके पत्थर के टर्माइट की, बनते हैं ना, ईंटों के बनते हैं ना मकान। हाँ जी हाँ जी, टर्माइट टर्माइट हाँ, प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, टर्माइट और मैं प्रॉब्लम रहता है। भी नमी रहती है। अच्छा, हाँ नहीं, वहां पे प्रॉब्लम तो होगी। मे बी दैट्स व्हाई दे डोंट हैव द सेंट्रल हीट और वो, मगर आई डोंट नो। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने स्टोन्स, ईंटों के जो घर बने हैं उनमें भी देखी है। आई डोंट नो, आई विल हैव टू डू मोर रिसर्च ऑन इट। अच्छा, कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं अभी बस बंद करने वाली हूँ। जी काफी साल पहले की बात है, सन 2005-06 की बात है, व्हेन यू बिकेम मिस पाकिस्तान, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5-6 में बने थे ना कहीं, सन 2005 या 6 में, 7 में। 7 में, आसुर से 7। जी एक्चुअली मैं उन दिनों परवेज मुशर्रफ इंडिया में आए थे, उनसे तो कुछ पूछा गया था, बोले कि हमारे देश में मिस वर्ल्ड, मिस पाकिस्तान ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कुछ दिन बाद ना चले गए थे तो मुझे बातें कुछ याद रहती है, मैंने पता लगा कि न्यूज में आया था तो मुझे आपका नाम तो उसमें पता नहीं था, तो उसमें दिखाया था कि आप बिकनी में थे तो आपने फ्लैग पकड़ा था पाकिस्तान का तो वे बनी है, झूठा एक नंबर यार। हाँ, उन दिनों मुशरफ साहब के साथ वो एक वो बना दी थी ना न्यूज, तो ऐसे ऐसे तो मुशरफ साहब ने नहीं, अपने बाल कलर इंडिया कर में दिए थे, वो बड़े खूबसूरत लगना शुरू हो गए उसके बाद, खिले खिले लगते थे। जहाँ पे वो कार पैदा हुए हैं मैं वहीं पे काम करता हूँ, पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास। अच्छा, पुरानी दिल्ली में। चले, हाँ जी, मेरा प्लान है कि किसी दिन, यू नो, आई वांट टू विजिट इंडिया। इंडिया जाने का मेरा प्लान है, मुझे घूमना है, देखना है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, हिस्ट्री है, यू नो, आई वांट टू सी सो मेनी थिंग्स। सो कभी, टू मीट यू मैम इन दिल्ली।
हाँ नो डेफिनेटली, अगर मैं आई तो मैं जरूर बताऊंगी सबको कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, मगर थैंक यू यू आर सो मच, मैं आगे निकलती हूँ, आई जस्ट हैव टू गेट गोइंग। तो एक लास्ट बात कहनी थी मैम, हाउ ओल्ड आर यू? हाँ मी आप एज नहीं पूछा करो ना। नहीं, आई विल बी 40 दिस ईयर। मैम 32 मैम, आई हैव प्रपोज्ड यू सेवरल टाइम्स मैम, डिड मुझे प्रपोज यू किया रिमेंबर? आपने? हाँ देखो ना, मुझे पता नहीं है, मुझे शादी करनी है, अब मेरी इतनी एज हो गई, अब क्या शादी करनी, अब तो सो ब्यूटीफुल मैम, आई वुड लव टू मैरी यू मैम। देखें मुझे देखते हैं। हम आप आपको तो कोई मिल जाएंगे, हमें तो मिले मिलने वाली मम्मी तो, आई एम 33, आई एम स्टिल सिंगल। नहीं क्यों, इतनी लड़कियां हैं, लड़कियां हमारी थोड़ी नहीं है, काफी सारी हैं। मैं सोच रही हूँ एक्चुअली, मैं सोच रही हूँ बहुत सारे लड़के सिंगल हैं, मैं कोई डेटिंग साइट या कोई शादी कराने वाली ना वेबसाइट स्टार्ट कर दूँ। जब डंडा कोई काम नहीं करता, फायदा नहीं है, बहुत जगह जा चुका हूँ मैं, कोई नहीं काम होता। नहीं ना, मगर सही से हो ना, उसमें दोनों तरफ सीरियसनेस हो। और डेटिंग साइट जो आजकल चल रही है वो बेकार है, दे आर लाइक यूजलेस टू बी ऑनेस्ट, उस पे मैम टाइम वेस्ट। बंबल टिंडर सब बेकार है ना, तो मम्मी मम्मी नहीं ढूंढ रही आपके लिए कोई लड़की? मैम। एक्चुअली मैम मदर इज 70s, शी इज टू ओल्ड मैम नाउ, मैम शी कैन नॉट गो एनीवेयर। मगर फैमिली में तो होंगी औरतें जो ढूंढ सकती हैं ना। नहीं एक्चुअली क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हर बंदा दूर रहता है, वो कहते तू ढूंढ के ले हम करा देंगे, कहते तू अच्छा ढूंढ के अच्छा ले हम करा देंगे, आपको इजाजत है, आप अपनी मर्जी से यार ढूंढ लो। सुबह जाते रात को आते, किसी को पड़ोसी तक का नाम नहीं मालूम मुझे तो अपने। मैम तो आपको निकलना पड़ेगा ना घर से बाहर, घर में बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, वीकेंड पे निकले बाहर, गो डिफरेंट काम के लिए प्लेसेस। एक दिन, अब एक दिन होता है वो भी घर के काम के लिए रह जाते, कि माय मदर, आई टोल्ड यू माय मदर इज टू ओल्ड एंड शी कैन नॉट वॉक और समथिंग लाइक एजिड है, तो इसलिए मैम तो आपके घर में बहन वहन नहीं है? अच्छा, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। यू आर द ओनली किड। अच्छा, तो मैं अब वही कहूंगी आपसे, इंटरनेट पे लगे रहे आप, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ लोगों के लिए, के लोगों के रिश्ते कराए जाएं। कल मैंने इस पे एक स्ट्रीम की थी मैं, सो आई नो व्हाट यू मीन। ओके ठीक, चले मैं देखती हूँ, आई विल कीप एन आई। और जो यहाँ पे लड़कियां देख रही होती हैं, भैया लड़कियां, आप लोगों को भी लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। सो पंजाबी पंजाबी चलो ठीक है, आपका इंटरनेट भी कट रहा है और मेरी बैटरी जो फोन की है वो भी डेड हो रही है। मगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आई विल कीप ऑन प्रपोजिंग यू। चलो ठीक है, चले बाय बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।